हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम तलाश में है लिंगड़ की सब्जी के लिए, जो कि दोस्तों काफी प्रमुख सब्जी है। तो सब्जी जरा दिखाइए आप। देखिए, कुछ इस तरह की ये सब्जी रहती है, जो कि समुद्र तल से 2000 मीटर से ज़्यादा हाइट पे पाई जाती है और जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में नमी वाली जगह में पाई जाती है। तो काफ़ी फायदेमंद सब्जी है दोस्तों, एक प्रकार की आयुर्वेदिक सब्जी है ये। इसको बोलते हैं लिंगड़, लिंगड़ा, और उत्तराखंड में इसको लिंगड़ा वगैरह इस तरीके से बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बिटल हेड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस और ज़रूरी मिनरल्स से भरपूर है। शुगर और हार्ट के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों, ये ऐसे उगाई नहीं जाती, ये नेचुरली लग जाती है कहीं भी पहाड़ों में, और जो कुछ नमी वाली जगह होती है, जो नाले वगैरह होते हैं, खड्ड वगैरह होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ये पाई जाती है। तो अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, जा रहे हैं नीचे की ओर धीरे धीरे करके, और ज़्यादा मतलब थोड़ा नीचे जाने पर और ज़्यादा हमको ये मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो दोस्तों जो घर है आसपास, ज़्यादा यहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए वहाँ नीचे की ओर जाएंगे और वहाँ से कलेक्ट करके इसको लेके जाएंगे। तो दोस्तों, सब्जियाँ बड़ी सही बनती है इसकी, काफ़ी स्वाद भी होती है खाने में। अब इसमें मिनरल्स तो होते हैं और विटामिंस वगैरह तो होते हैं, लेकिन खाने में काफ़ी अच्छी होती है, स्वाद भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फ़ायदे भी होते हैं और सही है दोस्तों। तो चलते हैं, तलाश करते हैं इनकी। यहाँ दोस्तों हमारे बीच एक्सपर्ट है, जो ऐसी जगहों में जाने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। ये दोस्तों है एनएसजी के बहुत बड़े कमांडो। या आप मेरे हाथ में कुछ लिंगड़ देख सकते हैं दोस्तों। देखो, लिंगड़, लिंगड़ा, लंगड़ा अगर आप मार्केट में इसको लोगे, सब्जियों की दुकान में, तो आपको 60 और 70 रुपए किलो ये मिलेगी। यहाँ मैं अपनी मार्केट की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दुकानदार क्या करते हैं दोस्तों, जो इनके जो बाल दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, इनकी जो स्किन में जो बाल वगैरह होते हैं और ये कुछ पत्ते वगैरह आपको दिख रहे हैं, इनको हटा देते हैं, तो वहाँ से भी थोड़ा इनका प्राइस जो है बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अभी इतनी तो हमने कलेक्ट कर ली है, तो पीछे भी दोस्तों कुछ लोग थे, वो भी इसी में लगे होंगे शायद। हेलो भाई, हेलो भाई जी। देखिए दोस्तों, ध्यान नहीं है इस तरफ, यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे काफ़ी संभावनाएं रहती है इसको मिलने की। एक्चुअली बहुत होते दोस्तों, पर लोग छोड़ते कहाँ हैं। देखो दो यहाँ पे, देखिए दोस्तों, इनके दर्शन होते ही दोस्तों मन को सुकून शांति मिलती है, ऐसा लगता है जैसे कि हमने कोयले की खान में हीरे को खोज लिया। और यहाँ पे आप देखिए, इधर भी आपको दिख रहा होगा, तो चलिए इसे यहाँ से हम तोड़ लेते हैं। ये रही ब्लैक रेस्पबेरी, ये है नेचुरली ग्रोन। इसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑरेंज वाली भी है, ये आपको दिख रही होगी नीचे, आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको एक तोड़ के दिखाता हूँ, नीचे आपको ये वाली दिख रही होगी, तो इसको अपन तोड़ लेता है। तो ये देखिए, ये रही दोस्तों, और ये है ब्लैक मैन। दोनों को एक बार आपको तोड़ के दिखा देता हूँ, अभी कच्ची है दोस्तों कई कई। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सही रहती है खाने में, इसका जो स्वाद है मीठा खट्टा दोनों तरीके से स्वाद आता है, काफ़ी सही रहती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारी है। तो ये ब्लैक वाली है यहाँ पे, और इधर को आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑरेंज वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, ये आप देख सकते हैं, ये रही दोस्तों जंगली स्ट्रॉबेरीज, यहाँ भी होगी। तो ऐसे कहीं भी रैंडमली कहीं भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो खाने पीने की सुविधाएं तो दी हुई है प्रकृति ने। तो यहाँ पे आप इन पक्षियों की आवाज सुन रहे होंगे दोस्तों, ये है नेचर की साउंड। हम चले हुए हैं, जा रहे हैं नीचे की ओर, इसी उम्मीद में कि और हमें मिल जाएंगे। इतना तो उग चुका है दोस्तों, आधा किलो से ज़्यादा हो गया भाई, बढ़िया है। थोड़ा इसमें आपको चलना पड़ता है, ऐसे लांघो, ऐसे पार करो दोस्तों। तो ये दोस्तों नाला है, काफ़ी यहाँ पे पानी काफ़ी सारा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है नीचे को, और यहाँ से जा रहा है सीधे खड्ड की ओर।
चलिए दोस्तों अपनी मुशक्कत के बाद उस नाले से दोस्तों हमने बड़ी मुश्किल से चढ़ाई की, तो अब चलते यहाँ से ऊपर की ओर। दोस्तों मैंने भी दोस्तों अपने पास ये डंडा रख लिया, देखिए। तो दोस्तों डंडा बहुत काम आएगा आपके, यहाँ पे मजाक की बात नहीं दोस्तों, काफ़ी सारे कांटे होते हैं झाड़ियों में। हम पता नहीं दोस्तों कहाँ कहाँ से चले हुए। बहुत ज्यादा कांटे हैं और सबसे ज्यादा परेशान आपको वही यहाँ पे करने वाले। ये देखिए काफी ये लकड़ियाँ हैं, तो देखिए इसको इन कांटों को निकालने के लिए आप इन डंडे को क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए अपना रास्ता काम से बनाएंगे। डंडे को हमने यहाँ पे धोने के लिए रखा दोस्तों, पूरा हाथ इसने काला कर दिया था, तो इस तरह से हम इसको धो लेते हैं। जली हुई लकड़ी है और यहाँ सामने से आप देख सकते हैं दोस्तों कुदरत का पानी बरसते हुए। थोड़े हाथ और धो लेते हैं, यहाँ पे काफी साफ पानी है दोस्तों। ये देखिए किस तरह की झाड़ियाँ हम पार करके आए दोस्तों, बहुत मशक्कत के बाद। उस लिंगड़ ने हमको इतना नचाया दोस्तों, कहीं उस लिंगड़ की वजह से हम कहीं खुद ही लंगड़े ना हो जाए दोस्तों। देख रहे होंगे छोटा सा झरना जैसा है, और यहाँ पे दोस्तों इन पत्थरों की चिकनाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब यहाँ पे बहुत स्पीड में पानी आता है तो दोस्तों उससे घिस जाते हैं पत्थर, तो बरसात के टाइम में तो ये आफत बन जाता है, पूरा आफत फॉल। देखिए ये सारा पानी इसमें स्टोर हो रहा है, तो यहाँ से पानी भर के आप ले जा सकते हैं अगर कभी पानी कमी हुई। और एक आप यहाँ पे एक पाइप सी लगी हुई देख रहे होंगे, तो ये पानी जाता है दोस्तों नीचे घरों के लिए। मैं आपको यहाँ से लाइन दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे होंगे पाइप लाइन यहाँ से बिछाई हुई है। तो काफ़ी थकान हो गई है दोस्तों, पूरा नीचे हम पूरा नाला क्रॉस करके नीचे गए उस लिंगड़ की तलाश में, और अभी दोस्तों वापस आए, तो थोड़ी थकान हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आराम से नेचर के बीच सो रहा हूँ, और मेरे पास दोस्तों तकिए का जुगाड़ भी है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहे यहाँ पाइन के कोन्स, कायल कोन्स। तो ये दोस्तों मेरे यहाँ पे तकिए का काम कर रहे हैं, और हम ले आए हैं लिंगड़ कम से कम 1 kg तो हमको मिल ही गए होंगे दोस्तों। अब उससे ज़्यादा हम ला सकते थे लेकिन फिर काफ़ी टाइम हो गया था, तो सोचा कि चलो इतना काफ़ी है और चलते दोस्तों। फिर मिलते आपसे एक अगले व्लॉग में, तब तक देखते रहिए TNT रैलिश। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और देखते रहिए TNT रैलिश।